नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज मैं जुड़ा हूँ आपके साथ DT के एक टॉपिक के साथ। एक अच्छा टॉपिक, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें रेट्स कुछ ज्यादा होते हैं, उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ और आज का टॉपिक है हमारा टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। मैंने ये नोटिंग कर रखी है, ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा, आपको कोई और नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। 100% कवर है इसके अंदर, सब चीजें कवर है, मैं आपको अश्योर करता हूँ। एक बार आप ये देख लेंगे आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी इस चैप्टर की। एक बार स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे बिजनेस ट्रस्ट के टैक्सेशन को। देखिए, दो तरीके के यहाँ पर बिजनेस ट्रस्ट जो होते हैं इंडिया में, दो तरीके के होते हैं आपको अगर बताऊं। एक होता है रीट और एक आपने सुना होगा इनविट। हम क्या याद रखेंगे, बिजनेस ट्रस्ट को याद रखेंगे रीट से। जब भी हम कोई एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे रीट की, इनविट की बात नहीं करेंगे, रीट की बात करेंगे। दो तरीके के बिजनेस ट्रस्ट होते हैं, एक रीट एक इनविट। उसके बाद अब मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ कि टैक्सेशन किसके ऊपर क्या टैक्स लगता है, कैसे लगता है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा वो बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूं। इसमें क्या होता है कि यूनिट होल्डर जो होते हैं ना, जैसे आप, जैसे मैं, आप, हम यूनिट होल्डर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसके अंदर, रीट के अंदर। रीट कौन होती है, बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, और इन्वेस्ट जो बिजनेस ट्रस्ट होती है वो क्या करती है, वो इन्वेस्ट करती है स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर, SPV के अंदर, वो इसके अंदर इन्वेस्ट करती है। देखिए, जब हम इससे इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस ट्रस्ट में, बिजनेस ट्रस्ट इसमें कर रहा है, तो क्या होता है कि SPV देता है इनको, यहाँ पर रिटर्न देता है जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और बिजनेस ट्रस्ट रिटर्न देता है यूनिट होल्डर को। समझ आया? और बिजनेस ट्रस्ट जो होते हैं उनको यहाँ पर SPV के अंदर कम से कम 50% इक्विटी शेयर होल्डिंग यहाँ पर होल्ड करनी पड़ती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या याद रखना है। देखिए, यूनिट होल्डर इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस ट्रस्ट के अंदर, बिजनेस ट्रस्ट जो है वो आगे इन्वेस्ट करते हैं SPV के अंदर, और SPV रिटर्न देती है यहाँ पर बिजनेस ट्रस्ट को, और बिजनेस ट्रस्ट देती है यूनिट होल्डर्स को। देखो, ये चीज मैंने हिंदी में लिख रखी है, एक बार आप इसको पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा क्या लिखा है ये। बिजनेस ट्रस्ट जो है वो SPV में क्या करता है, शेयर इन्वेस्ट करता है। उसके बाद SPV क्या करती है, बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड देती है। क्या देती है, डिविडेंड। देखिए, अगर आप शेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके, तो वो आपको रिटर्न में डिविडेंड देते हैं, और वो जो डिविडेंड होता है ना वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज आपको याद रखनी है, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में जो डिविडेंड मिलता है ना उसको, जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है SPV के अंदर, और SPV से जो डिविडेंड मिलता है बिजनेस ट्रस्ट को, वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1023 FC के अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है। एक बार मैं आपको ये सब बताने के बाद उसका क्रक्स भी बता दूंगा और 100% आपको समझ आ जाएगा। देखो, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि डिविडेंड जो मिलता है बिजनेस ट्रस्ट को SPV से, वो पूरा का पूरा बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट है। अब जो बिजनेस ट्रस्ट ने डिविडेंड क्या किया, बिजनेस ट्रस्ट जो है वो आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको, यूनिट होल्डर्स को। यूनिट होल्डर को वो यहाँ पर डिविडेंड देता है। देखिए, उनके लिए, बिजनेस ट्रस्ट के लिए तो ये टैक्सेबल नहीं था, एग्जेम्प्ट था उनके लिए, लेकिन जो यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके लिए ये टैक्सेबल है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यूनिट होल्डर के लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है, यूनिट होल्डर के लिए यहाँ पर डिविडेंड इनकम क्या है, टैक्सेबल। और वो टैक्सेबल किस रेट से होगी, ये है बड़ा मुद्दा। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, देखिए दो केस होते हैं इसके अंदर। अगर यहाँ पर आपके, यहाँ पर जो आपका SPV है उसने अगर यहाँ पर जो टैक्स है वो कंसेशनल रेट से बढ़ता है, यहाँ पर आपने SPV का देखना है कि SPV जो है आपका वो कैसे टैक्स भरता है, वो कंसेशनल रेट से भरता है या फिर नॉर्मल रेट से भरता है। नॉर्मल रेट आपके 25% 30%, कंसेशनल रेट वाले कौन सा आपका 22% वाले। अगर वो नॉर्मल रेट से आपका SPV भरता है तो ये यूनिट होल्डर्स के हाथ में भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर SPV हमारा कंसेशनल रेट से टैक्स भर रहा है, मतलब 22% से जैसे कंसेशनल रेट है उससे टैक्स भर रहा है, तो टैक्स रेट क्या है यहाँ पर यूनिट होल्डर के हाथ में, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनीज के केस में 10% है, और अदर्स के केस में क्या है, नॉर्मल टैक्स रेट। क्या है, नॉर्मल टैक्स रेट। समझ आया? आपने क्या याद रखना है, अगर SPV कंसेशनल रेट से टैक्स भरता है तो आपके नॉन रेजिडेंट के हाथ में 10% टैक्स लगेगा, और आपके अदर्स के हाथ में क्या लगेगा, नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से। ठीक है, समझ आ गया, डिविडेंड का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, यूनिट होल्डर के हाथ में आपने चेक करना है कि SPV किस रेट से टैक्स भरता है। अगर वो भरता है यहां पर कंसेशनल रेट से,
तो यहाँ पर आपको देखना है कि वो नॉन रेजिडेंट है या फिर अदर है। अगर वो भरता है नॉर्मल रेट से तो कुछ करना ही नहीं है, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है। बस यही थे आपके रेट्स। उसके बाद अगर बात करें, एक इनकम हो गई आपकी, हमने कंप्लीट कर ली डिविडेंड वाली। अब बात करेंगे हम इंटरेस्ट इनकम के बारे में। इंटरेस्ट इनकम क्या करता है, बिजनेस ट्रस्ट क्या करता है, एसपीवी को लोन देता है या फिर उसके डिबेंचर्स खरीदता है या फिर बॉन्ड खरीदता है, ठीक है, एसपीवी के। तो एसपीवी क्या करेगा, वो उनको रिटर्न में इंटरेस्ट देगा, ठीक है, वो इंटरेस्ट देगा बिजनेस ट्रस्ट को। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ये भी एग्जेम्प्ट है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, डिविडेंड भी एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है, किसके हाथ में, यहाँ पर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में। समझ आ गया, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ये भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब यूनिट होल्डर के हाथ में तो ये टैक्सेबल है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट के केस में हम वो चीज नहीं देखेंगे जो हम ऊपर देखते थे। डिविडेंड के केस में हम क्या चेक करते थे फिर, कि वो नॉर्मल रेट से पे करा है या फिर कंसेशनल रेट से करा है। इसमें वो चेक नहीं करेंगे हम, इसमें वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सिंपल आपको रेट दे रखे हैं। और रेट क्या दे रखे हैं, अब मैं आपको बताऊं। देखिए रेट जो है ना, जो हमारे अदर्स है, अदर कह लो या इनको रेजिडेंट कह लो, रेजिडेंट जो टैक्स पेयर्स है उनके में तो हमेशा नॉर्मल टैक्स रेट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट है और फॉरेन कंपनीज है, ऊपर जो हमने पढ़ा था वहां पर हमने पढ़ा था 10%, इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट रेट है आपका 5%। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये 5% और 10%, डिविडेंड के केस में 10% और इंटरेस्ट के केस में 5%, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी देखिए अदर्स के केस में नॉर्मल टैक्स रेट है, वो आपको याद ही रहेगा। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, ये भी आपको याद रहेगा, ठीक है, समझ आया। उसके बाद अगर बात करें, अब देखिए जब ये टैक्सेबल है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, तो इसका मतलब बिजनेस ट्रस्ट जो है वो टीडीएस भी काटेगा इसके ऊपर, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। और टीडीएस किस रेट से काटेगा ये आपको याद रखना है, बहुत आसान है इसको याद रखना। देखो मैं आपको बता दूं, जब भी अदर्स की बात होगी, जब भी अदर की या फिर ये रेजिडेंट की बात होगी, इनके ऊपर तो देखिए इनका टैक्स क्या होता था, नॉर्मल रेट, इनका टैक्स हमेशा नॉर्मल रेट से टैक्स होगा, और इनका जो टीडीएस कटेगा वो 10% से ही कटेगा। बहुत सिंपल सी चीज थी, इसमें कोई आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी। रेजिडेंट में हमेशा 10% से कटेगा और टैक्स वो नॉर्मल रेट से भरेंगे। मुद्दा आता है सिर्फ यहाँ पर नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनीज के केस में। अब देखो हमने यहाँ पर ऊपर जो हमने जिस रेट से टैक्सेबल है हमारा डिविडेंड, उसी रेट से टीडीएस काटेंगे। यहाँ पर हमारा डिविडेंड के केस में 10% से टैक्सेबल था, है ना, और यहाँ पर हमारे 5% से वो था। सेम वही रेट से हम यहाँ पर टीडीएस भी काट लेंगे, 10% 5% जो रेट से टैक्सेबल था उसी रेट से यहाँ पर हम इनका टीडीएस काट लेंगे। बिजनेस ट्रस्ट टीडीएस काट लेगा किसका, यूनिट होल्डर का। समझ आया, बहुत ही आसान कंसेप्ट था, एक बार दोबारा सुन लोगे आपको 100% क्लियरिटी मिल जाएगी। आपको इसका मैं क्रक्स बता दूं, देखिए क्रक्स ये निकाला हमने, मैंने लिख भी दिया है, एक बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्रक्स ये है कि बिजनेस ट्रस्ट को चाहे डिविडेंड इनकम मिले चाहे इंटरेस्ट मिले, किससे, एसपीवी से, तो वो दोनों के दोनों एग्जेम्प्ट है। लेकिन जो हमारे रेजिडेंट और जो हमारे रेजिडेंट का केस है, जो या फिर हम अदर का केस पढ़ रहे हैं, उसके केस में हमेशा 10% के रेट से ही टीडीएस कटेगा। नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी में जिस रेट से टैक्सेबल है उसी रेट से टीडीएस कटेगा। और नॉन रेजिडेंट के केस में आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करना नहीं भूलना, ये तो हमने टीडीएस चैप्टर में पढ़ रखा है। जब भी हम किसी नॉन रेजिडेंट का टीडीएस काटते हैं या फॉरेन कंपनी का टीडीएस काटते हैं तो हमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इंक्लूड करके ही काटना होता है, ठीक है। ये था टोटल कुल मिलाकर इसके अंदर बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेशन से रिलेटेड। और भी जो इसमें क्या लिखा है, देखिए एक, अब हमने तीन इनकम पढ़ चुके हैं, एक इनकम हम पढ़ चुके हैं डिविडेंड के बारे में बात कर चुके हैं, दूसरी हम बात कर चुके हैं इंटरेस्ट के बारे में, अब तीसरी हम बात करेंगे रेंटल इनकम के बारे में। ये रेंट मिला है हमें, किससे मिला है, बिजनेस ट्रस्ट को ओन प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट मिला है, तो वो जो रेंट जो है वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो हमारी ये जो तीनों इनकम जो है वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या होगी, एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आपने रेंट जो है वो यूनिट होल्डर को दिया है तो यूनिट होल्डर के हाथ में तो टैक्सेबल होता ही है, तो रेट क्या होगा वो आपको मुद्दा है। यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए अदर्स के केस में मैंने आपको बताया था नॉर्मल रेट ही लगता है, लेकिन जो यहाँ पर एक और नई चीज आपको याद रखनी है वो याद रखनी है, नॉन रेजिडेंट के केस में यहाँ पर है नॉर्मल रेट। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो सिर्फ आपको ये वाली चीज याद रखनी है नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी के केस में। देखिए डिविडेंड का केस है, एक इंटरेस्ट का केस है, एक रेंट का केस है। जो डिविडेंड वाला केस है वहां पर हम टीडीएस काटते थे 10%, इंटरेस्ट वाले में 5% के रेट से टैक्सेबल होता था, और रेंट के केस में किस क्या होगा, नॉर्मल रेट से। सिर्फ आपको ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, बाकी तो देखिए हर केस में सेम है,
रेजिडेंट के केस में वही नॉर्मल रेट, वही 10% TDS, वही सेम डिट्टो चीजें हैं, सिर्फ नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी के केस में चेंज हो रहा है हर चीज में। ये तीन चेंजेस आएंगे, 10% डिविडेंड के केस में, इंटरेस्ट के केस में 5%, रेंट के केस में नॉर्मल टैक्स रेट। ठीक है, अब क्या है इस केस के अंदर, रेंट के अंदर जो है बिजनेस ट्रस्ट TDS भी काटेगा। TDS मैंने आपको बताया, देखिए रेजिडेंट का केस तो 10% और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का केस है, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, जो रेट से आपका टैक्सेबल है वही रेट से आपका TDS कटेगा। यहाँ पर नॉर्मल टैक्स रेट लग रहा है इनके ऊपर, तो यहाँ पर भी जो TDS कटेगा रेट इन फोर्स ही कटेगा। समझ आ गया? तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, हमने पढ़ा, क्रक्स हमारा ये निकला कि बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में तीन इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। डिविडेंड इनकम भी एग्जेम्प्ट है उसके हाथ में, इंटरेस्ट इनकम भी एग्जेम्प्ट है, रेंटल इनकम भी हमारी एग्जेम्प्ट है। समझ आया? लेकिन बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में इन तीन के अलावा भी तो कोई इनकम हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। देखिए तीन के अलावा जो इनकम होगी, अगर वो LTCG 112A वाली है तो 20% से टैक्स लगेगा, STCG वाली है तो 15% से टैक्स रेट लगेगा, और जो आपकी ऑल अदर इनकम, जो रेस्ट इनकम आपकी जो भी बचेगी उस पर टैक्स लगेगा MMR के रेट से। MMR आपको पता ही है 30% यहाँ पर टैक्स रेट है आपका, 37% सरचार्ज, 4% हेल्थ एजुकेशन सेस, टोटल बनता है ये 42.744%, जिसके ऊपर बिजनेस, और ये क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है जिस भी यहाँ पर इनकम के ऊपर बिजनेस ट्रस्ट MMR से टैक्स रेट टैक्स भर देगा वो सब यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यार जब देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब आपने सारा का सारा टैक्स रेट टैक्स यहाँ पर बिजनेस ट्रस्ट से इतने हायर रेट से चार्ज कर ही लिया है, तो फिर आप दोबारा दोबारा यूनिट होल्डर को दोनों टैक्सेबल करोगे, तो यूनिट होल्डर के हाथ में ये एग्जेम्प्ट होता है। और यूनिट होल्डर के हाथ में सिर्फ ये तीन इनकम टैक्सेबल है, डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंटल, बाकी सारी की सारी इनकम यहाँ पर अगर बात करें तो इनकी एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, समझ आया? और अगर बात करें, बस लास्ट के कुछ टॉपिक बचे हैं, ये क्या टॉपिक बचा है कि टैक्सेबिलिटी इन द ऑन द ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट, अगर लिस्टेड है और STT पे किया है तो 10% इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। LTCG कब होता है, जब 36 महीने से ज्यादा होता है, इस पर 10% लगता है, ये हमें पता ही है। STCG के ऊपर लगेगा 15% 111A वाला, अगर आपने ट्रांसफर करी है यूनिट ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट जिस जो कि लिस्टेड है और STT पे हुआ है। अगर वो लिस्टेड नहीं है, अगर लिस्टेड नहीं है तो LTCG लगेगा 20% और STCG लगेगा नॉर्मल रेट से। समझ आया? और अगर कोई पर्सन जो है वो ट्रांसफर करता है शेयर ऑफ द SPV, क्या करता है, ट्रांसफर करता है शेयर किसके, SPV को, किस SPV के शेयर किसको ट्रांसफर करता है, बिजनेस ट्रस्ट को करता है इन एक्सचेंज ऑफ द यूनिट ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट, तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन अप्लाई नहीं करेगा। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने ये ऊपर रेट्स डिस्कस करे ना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको समझ आने चाहिए। और मेरे को लगता है बहुत आसानी से मैंने आपको क्रक्स के साथ समझा दिया है। और बिजनेस ट्रस्ट कंपल्सरी रिक्वायर्ड करेगा, फाइल करेगा अपनी रिटर्न अंडर 139(4)(e) के अंदर। तो मोटा मोटा मैं आपको अगर क्रक्स बता दूं कि हमने इसके अंदर क्या सीखा, तो हमने इसके अंदर बस मोटी बात ये सीखी, मोस्टली आपको याद क्या रखना है, क्रक्स आपको क्या याद रखना है, देखो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको सिर्फ नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी को याद रखना है। रेजिडेंट का केस आएगा तो TDS कटेगा 10% के रेट से, टैक्सेबल होगा नॉर्मल रेट से, ये तो हर बार यही कहानी रटेगी, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो आपका रेंटल इनकम हो। इनके केस में होता है कि अगर आपकी डिविडेंड है, रेंटल है और अदर है, तो उसमें यहाँ पर डिविडेंड में 10%, इंटरेस्ट में 5, और जो आपकी रेंटल वाली है उसके अंदर नॉर्मल रेट इनसे लगेगा, और TDS भी इसी रेट से लगता है। ठीक है, जिस रेट से आपका टैक्सेबल होता है। ये था पूरा का पूरा बिजनेस ट्रस्ट का क्रक्स। इसी के साथ देखिए हमने बिजनेस ट्रस्ट को खत्म कर लिया है, लेकिन एक और अमेंडमेंट जो आई है जिसके लिए यहाँ पर ये डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है, ये है वो अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट क्या है, ये एक पॉइंट ऐड हुआ है आपके स्टडी मटेरियल, या आप किसी भी ऑथर की बुक देखोगे तो आपको ये अमेंडमेंट मिल जाएगी, जो भी नया एडिशन अगर आपने लिया है। तो इसके अंदर क्या कहता है, यहाँ पर सेक्शन 56(2)(12) यहाँ पर क्या कहता है, स्पेसिफाइड इनकम रिसीव्ड बाय अ यूनिट होल्डर फ्रॉम अ बिजनेस ट्रस्ट ड्यूरिंग द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ यूनिट हेल्ड बाय हिम एट एनी टाइम वुड बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड अंडर द हेड अदर सोर्सेस। और इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, देखो इसमें आपने एक चीज क्या करनी है, आपने एक ए में से बी माइनस करना है, में से सी माइनस करना है। अगर ए और बी ज्यादा है, मतलब बी और सी ए से ज्यादा है, तो आपका आएगा नेगेटिव, नेगेटिव को इग्नोर करना है, उसको हम जीरो मानेंगे। ठीक है, ये यही चीज यहाँ लिखी है। और अब ए बी सी है क्या, देखिए ए बी और सी क्या है, ये क्या कहता है,
एग्रीगेट ऑफ द सम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द बिजनेस ट्रस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और अर्लियर प्रीवियस ईयर टू द यूनिट होल्डर विच होल्ड्स द यूनिट अदर देन द ये प्रायर टू द डेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज अदर देन नोट इन द नेचर ऑफ द जो भी आपने सम डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पर बिजनेस ट्रस्ट ने जो भी यहाँ पर सम डिस्ट्रीब्यूट किया है अदर देन नोट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड रेफर्ड अंडर 1023 FCA और रेंटल इनकम रेफर्ड इन द 1023 FCA मतलब इसके अलावा कौन सी रेंट डिविडेंड और हमारी डिविडेंड के अलावा रेंट डिविडेंड और इंटरेस्ट के अलावा कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है या फिर नोट चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट अंडर 115 UA ये कौन सा है 115 UA देखिए 115 UA क्या कहता है प्रोवाइड करता है टोटल इनकम ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट शैल बी टैक्सेबल एट द MMR जो हमने पढ़ा है ना ऊपर MMR के रेट से टैक्सेबल होएगा वॉली इनकम को छोड़ दें अगर हम और द अमाउंट एट विच द यूनिट वॉज इशूड टू द बिजनेस ट्रस्ट इसको हम माइनस करेंगे और अमाउंट चार्ज टू टैक्स अंडर दिस क्लोज इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर इसको भी माइनस करेंगे बस यही था इसके अंदर आपको ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी बस इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूंगा आपका दोस्त विपुल इसी तरीके से नई नई वीडियोस के साथ आपके बीच जुड़ता रहेगा अपना प्यार देते रहे लाइक करें शेयर करें हमने 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बिजनेस ट्रस्ट को यहां पर डिस्कस कर लिया है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को आपके बीच जुड़ता रहूंगा आप जो भी आप कमेंट करेंगे जो भी आप कहेंगे मेरे को मैं वही वीडियो के साथ आपके बीच जुड़ जाऊंगा बस अपना प्यार देते रहे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को बस अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा बिजनेस ट्रस्ट के बाद अगला टॉपिक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ आपके साथ इन्वेस्टमेंट फंड के लिए टैक्सेशन क्या होती है उसके साथ जुड़ूंगा अभी के लिए टाटा बाय बाय सी यू बाय बाय